मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हम अपना लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रेशर इज प्रोड्यूस। जब कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। व्हेन यू पुट योर थंब ऑन अ पीस ऑफ वुड एंड प्रेस इट, द थंब डज नॉट गो इन टू द वुड। जो आप क्या करेंगे, लकड़ी के ऊपर ऐसे थंब रखेंगे और उसको प्रेशराइज करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपका थंब अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। बट वेन यू पुश अ ड्राॅइंग पिन इन टू द वुड विद द सेम फोर्स ऑफ योर थम, द ड्राॅइंग पिन गोज इन टू द वुड। बट वहीं आप अगर यही ड्राॅइंग पिन को रखेंगे जो नीचे से शार्प है, उस पर फोर्स लगाएंगे जितना कि आप यहाँ लगा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ द केसेज, बट द ड्राॅइंग पिन हैज़ मच स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज कम्पेयर टू योर थम। दिस मीन्स दैट इन द केस ऑफ ड्राॅइंग पिन द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज स्मॉलर, देयरफॉर इट्स इफेक्ट ऑन वुड इज मच ग्रेटर, इट गोज इन टू द वुड, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो देखिए, थम से भी उतना ही प्रेशर फोर्स लगा रहे थे आप, इस पर भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, बट ये क्या है, शार्प है, इसलिए अंदर चली गई। और ये और इसका साथ में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम है, और यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर कम लगा। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। The drawing pin goes into the wood due to the sharp tip. The force of thumb falls on a very small area of the wood through the pointed tip of the drawing pin. Due to this force, per unit area or pressure on the wood becomes very large. Thus, the effect of force depends on the area of object on which it acts. इसलिए आप कह सकते हैं कि जो pressure है वो किस पर depend करता है, area of contact पे। In case of pressure, we consider only perpendicular forces acting on the surfaces at which the pressure is to be measured. तो देखिए, pressure के केस में क्या करेंगे, हम only perpendicular face, ये जो perpendicular forces हैं उन्हीं को consider करेंगे, ठीक है, क्योंकि measure किए जा सकते हैं easily. Measure pressure is the force acting on a unit area of the object. If P is the pressure, F is the force and A is the area of contact, then प्रेशर का फॉर्मूला देखिए, फोर्स अपॉन में एरिया। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फोर्स को मेजर करने की, न्यूटन। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्कल। इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। ओके, फिर आगे न्यूमेरिकल्स हैं, इसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।